ग्वेन टेनिसन को हम उसके एनोडाइट फॉर्म और लकी गर्ल फॉर्म में बहुत कूल मानते हैं। क्वीन को हमने पेंटन क्लासिक सीरीज में कई बार लकी गर्ल के रूप में देखा है और लकी गर्ल फॉर्म में उसको पावर्स मिल रहे थे चार्म्स ऑफ बेजल के कीस्टोन से। पेंटन क्लासिक में ही क्वीन ने चार्म्स ऑफ बेजल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फ्यूचर क्वीन के पास हमें चार्म्स ऑफ बेजल के सभी कीस्टोन देखने को मिलते है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब क्वीन ने चार्म्स ऑफ बेजल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो फ्यूचर क्वीन के पास चार्म्स ऑफ बेजल कहाँ से आए? इसे जानने के लिए आज हम चार्म्स ऑफ बेजल के मिस्ट्री को जानेंगे और पता लगाएंगे फ्यूचर क्वीन को कैसे मिला चार्म्स ऑफ बेजल। अगर आप लोग भी लकी गर्ल का ये सीक्रेट जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। फर्स्ट थिंग ये है कि चार्म्स ऑफ बेजल कोई मैजिकल चीज नहीं है। विंटन क्लासिक में हमें ये बताया गया था कि चार्म्स ऑफ बेजल 6 मैजिकल ताबीज का कॉम्बिनेशन है और पर्टिकुलर ताबीज में कुछ यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज होता है और इनमें से की स्टोन चार्म्स ऑफ बेजल का सबसे खास ताबीज है जो चार्म्स ऑफ बेजल के पावर्स को 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन ओमनियो सीरीज में हमें पता चला चार्म्स ऑफ बेजल कोई मैजिकल चीज नहीं है। एक्चुअली ये ताबीज एडवांस्ड बेजिलियन टेक्नोलॉजी है जिन्हें बेजल नाम के एक शख्स ने क्रिएट किया है। बेजल का डायमेंशन डोमेन से अलग है, वो अपने डायमेंशन में ये ताबीज बनाता रहता है। इस बात को बेजल ने खुद कहा था और ये टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस होने की वजह से पृथ्वी के लोगों को ये मैजिकल चीज लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी का टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है। चैमकेस्टर और हेक्स की वजह से लकी गर्ल को ये ताबीज मिले थे। लकी गर्ल ने इन ताबीज को अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना ही सही समझा और क्वीन ने तो चार्म्स ऑफ बेजल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ चार्म्स ऑफ बेजल हमें सीधा बिंटन ओमनिहोर सीरीज में देखने को मिलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। कोई भी ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि चार्म्स ऑफ बेजल सही सलामत है, लेकिन शायद वो चार्म्स ऑफ बेजल में से एक है। जब हम बच्चे थे ये तभी तबाह हो गए थे, लेकिन इस टाइम बेजल खुद आकर ये रिवील करता है कि ये ताबीज उसके क्रिएशन से। वो ऐसे ताबीज अपने डायमेंशन में बनाता रहता है, तो जिन ताबीज को ग्वेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उन सबको बेजल ने रिक्रिएट किया था। इसलिए हमें ये ताबीज बेंटन ओमनिवर्स में सही सलामत देखने को मिलते है। पर ओमनिवर्स के एंड होने तक ग्वेन के पास हमें एक की स्टोन देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सभी स्टोन चैमकेस्टर के पास हमें देखने को मिला था। अगर ऐसा है तो फ्यूचर ग्वेन के पास चार्म्स ऑफ बेजल कैसे आया? इसके जवाब में बिंटन के प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि इस अल्टरनेट फ्यूचर क्वीन और हमारे ओमनिवर्स वाले क्वीन ने बेजल के डायमेंशन को ट्रैवल किया है और वही बेजल ने उनको ये ताबीज बना के दिया है। इसलिए हमें चार्म्स ऑफ बेजल डिस्ट्रॉय होने के बाद भी फ्यूचर क्वीन के पास देखने को मिलता है और ये बात ऑफिशियली कंफर्म्ड है। लेकिन इस बारे में आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।